पुलिस का डर दिखाकर पड़ोसी सड़क किनारे से हटवाना चाहता था गरीबों की वर्षों पुरानी गुमटी। अब महिलाएं करेंगी एसपी से शिकायत। खबर कराहल से है, जहां कराहल बड़े तालाब के पास सड़क किनारे शासकीय भूमि में रखी गुमटी में लोहे की दुकान चलाकर राम स्वरूप और भगवान सिंगल लोह पीटा अपना और अपने परिवार का जीवन यापन करते हैं। गुमटी में उनका परिवार लोहे के उपकरण बनाकर बेचने का काम करता है और लगभग 7-8 वर्षों से इसी गुमटी में इस लोहे का धंधा करके अपने बच्चों को पाल रहे हैं। अभी कुछ दिनों से उनके पड़ोस में रहने वाला उन्हीं के समाज का एक व्यक्ति उन्हें वहां से हटाना चाहता है। पड़ोसी गुमटी के पीछे अपना प्लॉट बताकर सामने से गुमटी हटाने की कहता है, पुलिस से पिटवाने की धमकी देता है और कई बार कराहल पुलिस को साथ भी लेकर आया है और पुलिस भी हमें यहां से हटाने का दबाव बनाती है। यदि हमारी गुमटी हटेगी तो हमारे छोटे छोटे बच्चे तो भूखे मर जाएंगे, हमारे तो रोटी के लाले पड़ जाएंगे। महिलाएं बोली कि सड़क किनारे की जमीन तो सरकारी, हमारी गुमटी के पीछे सरकारी हैंडपंप भी लगा हुआ है। जब कभी सरकारी काम चलेगा या बड़ी सड़क बनेगी तब हम खुद ही गुमटी हटा लेंगे, लेकिन अभी पुलिस इसकी बातों में आकर हमें क्यों परेशान कर रही है, जबकि जमीन का काम तो तहसीलदार पटवारी का होता है, फिर पुलिस बार बार हमारे यहाँ क्यों आ रही है। वहीं महिलाएं बोली, यदि हम अभी किसी भी बात में आकर पुलिस ने परेशान किया और हमारी गुमटी हटाने की बात कही तो हम इनकी शिकायत शिवपुर एसपी से करेंगे। करहाल से संवाददाता अमित कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। क्या नाम है तुम्हारा? लक्ष्मी। क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या शिकायत है? साहब हमारे पड़ोस है, हमारे को परेशान करता है, पुलिस की हमारे को धमकी देता है कि यहाँ से तुम दुकान हटाओ नहीं तो तुम्हारे को ये नहीं बंद करवा दूंगा पुलिस ला कर। साहब और कुछ धंधा नहीं करते है, लोहा कूटता है, कच्ची हमारी दुकान है और बच्चे बच्चे का पेट भरता है और कुछ धंधा नहीं है हमारा। ज़्यादा परेशान करेंगे साहब, हमारी सुनवाई नहीं करेगा, ज़्यादा परेशान करेगा तो हम डायरेक्ट हम एस बी के जाएंगे। तो क्या पुलिस, कराल पुलिस तुम्हारे यहाँ पे आई थी क्या? साहब 2-3 बार हमारे को परेशानी कर गई पुलिस आकर। क्या क्या कर गई? हटाओ इसको के नैनिया की हक में आ रही है जगह, नहीं तो सरकार पटली में रह रहे साहब, उसका प्लॉट पंप के पीछे हमारे दुकान आ गए है। अच्छा, तहसीलदार आए क्या यहाँ पर? तहसीलदार नहीं आए। अच्छा, बोल रहा साहब ये काम पुलिस का है ही नहीं है, पुलिस तो यहाँ हमारे पास बार बार आकर हमारे को परेशान करती है। तहसीलदार करता है जो भी काम करेगा, जो ही काम करेगा वो तहसीलदार का हक है, तहसीलदार कर सकता है। पुलिस हमारे को बहुत रोड की जगह काजे हमारे को पुलिस बहुत तंग करती है साहब। कभी भी रोड बनेगा सरकार का नियम है, रोड बनेगा तो हमारी दुकान हट सकेगी साहब। रोड नहीं बनेगा, इतने बच्चे बच्ची का पालन पोषण करेंगे, लोग का धंधा करेंगे, कच्ची दुकान है। कितने वर्ष हो गए तुम्हें यहाँ का दुकान साहब? यहाँ हमारे को 8-7 साल हो गया, जमीन नपी उसके पहले मैंने कब्जा करा है। अच्छा, तो अभी आप शासकीय भूमि में कहाँ भेजे? सरकारी भूमि में है तुम्हारी गुमटी? हाँ सरकारी भूमि है, पीछे पंप है, आगे रोड है, 45 फुट की पटली है, उसकी साइड से मेरी दुकान है। उस व्यक्ति के प्लॉट में तो नहीं है ना तुम्हारी? उसके व्यक्ति में प्लॉट में हो तो आके पंचायत पटवारी सेक्रेटरी आके देखो, उसकी नॉलेज मिलाओ। शासन की जगह इसमें बोर हो रहा है, सख्त पानी पीता है, इसके आगे दुकान रहती है, इसके सरकारी पंप के आगे दुकान है, पीछे इसका प्लॉट है, ये और पीछे इसका 30x30 का प्लॉट है, 45 फुट की पटली छोड़ रखी है सरकार ने इसमें रह रहे। हाँ तो आप तो सरकारी जमीन में रखी है आपकी गुमटी? तो सरकारी जमीन में, कोई उसके प्लॉट में हो तो आके देख लियो मेरी गुमटी ने। ठीक, अच्छा। छोटे छोटे बच्चे बच्ची इसका पेट भरते, बाबूजी हमारे न तो इसको बेच सके।